उठो उठो ना, तुमने मुझे पेट्रोलिंग इसलिए भेजा था कि तुम यहाँ बैठकर होमवर्क कंप्लीट कर सको। चलो मित्सु उठो, मैं कहता हूँ उठो, चलो उठो। चुप करो, मुझे सो। वापस कर दो काको। ये तो परमन का सेट है ना, जरूर कुछ कर बड़े। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, बस तुम इसे मुझे वापस कर दो। चलो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ तुम मुझे देती हो कि नहीं? नहीं तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बदमाश कहीं के स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ ये क्या है? ये परमान का सेट है मम्मा। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज वो यहाँ भूल कैसे गया? अब हमें ये मिल गया है ना मॉम, तो मैं उसे जाकर दे दूंगा। नहीं नहीं, इसे मैं अपने पास रखूंगी और जब भी वो यहाँ आएगा उसे वापस कर दूंगी। आखिर वो हमारी कितनी हेल्प करता है। मम्मा सुनो तो सही। मम्मा डालूंग, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। पापा आज आपको मामा पे छोड़ दे तो? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे परमैन सेट पहनने का मौका मिलेगा। मामा आप इसे नहीं पहन सकती। हो गया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बस मैंने कहा। ये क्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आ जाओ। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके जी, अब शाम को मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। ओफो तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना जोर लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बिल्कुल धीरे से टच किया था तुम्हें। बच्चों एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो पढ़ाई शुरू करो। मुझे कुछ भी करके परमैन सेट वापस पाना होगा, परमैन को पता चला ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। न जाने ये क्लास कब खत्म होगी। आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ और परमैन सेट पहनना चाहती हूँ। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मजा आएगा। ओ नहीं, ये ड्रम कितना भारी है। गंको जरूर वो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं मित्सुओ, मुझे लगता है कि गांको हाफ डे लेकर छुप छुप कर घर जा रही है। हमें अब पढ़ाई करनी चाहिए। गांको अगर ऐसे ही टाइम पास करती रही तो वो पढ़ेगी कब? कब आओ तुम पढ़ाई के बारे में कब से सोचने लगे? अगर हम आफ्टरनून क्लास में पढ़ेंगे तो हमें ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी मिलेगा ना। आ गई गांको, क्या ढूंढ रही हो? वो परमानेंट सेट कहाँ है मम्मा? परमैन सेट को तो मैंने छुपा कर रख दिया है। पता नहीं अब तक वो लेने क्यों नहीं आया, हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। ढूंढना होगा। मम्मा बहुत स्मार्ट है, जरूर उन्होंने किसी सीक्रेट जगह पर छुपाया होगा। यहाँ भी नहीं है। माँ हमेशा अपनी चीजें यहाँ छुपाती है तो यहाँ भी नहीं है। गांको मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए आइसक्रीम रखी है, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ, आइसक्रीम भी खा लूंगी और फिर आराम से ढूंढूंगी। ठंडी ठंडी आइसक्रीम। मुझे मिल गया परमैन सेट। ये गांको बड़ी खतरनाक है, अगर परमैन सेट उसके हाथ लग गया ना तो आफत आ जाएगी। गांको गांको रुको।
पता नहीं मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा। कहाँ ढूंढूं उसे? गंको कहाँ हो? गोभी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँचे हो। हमें जल्द से जल्द वो परमैन सेट गंको से छीनना ही पड़ेगा। गोभी, परमैन, कुछ दूरी पर एक वोल्केनो फूटा है। डोंट वरी, मैं भी पहुँचती हूँ। गंको, परमैन अपनी ड्यूटी के लिए हर वक्त तैयार है। ये किसकी आवाज थी? परमैन, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। जल्दी पहुँचो। रुक जाओ। अरे वो कौन था? तुम क्या कर रहे हो बताओ ना। तुम्हारा परमैन सेट कहाँ है? इस वक्त पूरी स्टोरी बताने का टाइम नहीं है। ठीक है, मत बताओ मुझे क्या। हम वोल्केनिक इरप्शन की तरफ जा रहे हैं। गंको, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ मत जाओ। बहुत बढ़िया गंको, सुपर आइडिया। ऐसे में आग फैल नहीं पाएगी। कीप इट अप। वैसे हम क्यों रुके हैं? हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक कहा। या। ओ नो गंको। ये बहुत खतरनाक है, मत जाओ प्लीज। डोंट वरी मित्सुओ, मैं आखिर परमैन हूँ, मैं सब कर लूंगी। रुक जाओ गंको। अब ये आग और नहीं बढ़ पाएगी। हाँ सही कहा। पायान पाको, गंको, गंको कहाँ है? तुमने उसे कहीं देखा है? बताओ ना। गंको, गंको। गंको। चलो शुक्र है तुम ठीक हो। गंको तुम कितनी अच्छी लड़की हो। चलो अब ये परमैन सेट मुझे वापस लौटा दो प्लीज। नहीं प्लीज गंको, वापस दे दो। नहीं 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 दूंगी मैं। आखिर इस छोटी से स्नेल ने हमें बचा लिया। उसे स्नेल जरा भी पसंद नहीं है। वेल डन गंको, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन गंको अब तो तुम समझ गई हो ना कि परमैन का काम इतना आसान नहीं है। तुम्हें ये मालूम पड़ गया होगा, फिर कभी परमैन सेट नहीं लेना, ये बहुत खतरनाक है। परमैन? हेलो आंटी जी, कैसी हैं? गंको ने अभी अभी मुझे परमैन सेट लौटा दिया है, ये देखिए। हाँ गंको, तुम परमैन सेट के साथ मस्ती कर रही थी क्या? परमैन इसे समझाओ ना गंको, वो डेंजरस हो सकता था। आंटी जी आप भी तो वही कर रही थी ना, मित्सुओ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तो मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? एक तो अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते, ऊपर से मुझे बोलते हो आगे से।